हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना, 1/2 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली है, 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं, 1 टीस्पून देगी मिर्च, 1 हरी मिर्ची और जीरा ले लिया है। सबसे पहले हम लोग मूँगफली को बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट बाद मूँगफली हम लोग की बढ़िया रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसका छिलका उतार लूँगी। मूँगफली का छिलका उतारने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, 1 टेबलस्पून हम लोग इसमें रिफाइंड डाल देंगे, 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर देंगे इसमें, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने मूंगफली को ग्राइंड कर लिया है वो इसमें ऐड कर लेंगे। 1 मिनट इसको ऐसे ही चलाते हुए मैं बढ़िया से भून लूँगी। यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली पाउडर और सेना नमक, जो व्रत में खाया जाता है, वो ऐड कर लिया है। व्रत के अलावा अगर आप इसे बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल सॉल्ट डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में भुनी हुई मूंगफली को ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अब बॉईल किए हुए आलू भी मैंने डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना को 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। देखिए ये बढ़िया फूल गया है, अब ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी पत्ता ऐड कर लिए हैं। अब आप इसे मैशर की सहायता से या फिर जैसे मैं कर रही हूँ हाथों से आप बढ़िया से आलू को मैश कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने अपनी दोनों हाथ की हथेलियों पे ऑयल ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा, और जो भी आपको साइज़ पसंद हो उस साइज़ का आप वड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने हाथ की हथेलियों पर ले करके चपटा कर दिया है और साइड से मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से बढ़िया से रोल कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक वड़ा बन करके तैयार हो गया है। अब आइए ऐसे ही सारे वड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सारे वड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब आइए हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड से बढ़िया ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको पलट करके भी बढ़िया ऐसे ही क्रिस्पी और ब्राउन कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और इसे क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई करना है। इसको अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये बढ़िया क्रिस्पी और ब्राउन हो गए हैं। ये मैं आपको पास से भी इसको दिखाती हूँ। अब आइए हम लोग अपने साबूदाना वड़ा को एक नैपकिन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे दिखा रही हूँ ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हो गया है। अब आइए ऐसे ही हम लोग और वड़े भी फ्राई कर लेंगे।
बढ़िया साबूदाना वड़ा के साथ कुल्हड़ वाली चाय मिले तो और मज़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय बना करके तैयार कर ली है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।